एक औपचारिक बैठक था, ऐसे ही बैठे थे हम औपचारिक बैठक में, तो उसमें सब लोग अपनी अपनी बात के कैसे काम करना हो कुछ भी अपनी सोच बताते हैं सब लोग, तो बता रहे थे सब अपनी अपनी सोच। तो नरेंद्र भाई ने अपनी सोच बताया, इसलिए सब लोग बता रहे थे उनका सुन लिया, फिर बाद में उन्हें बताया कि देखो के सोच में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, सोच तो सोच है कि उसमें कंजूसी क्यों करता है। तो उसने फिर उसने उदाहरण एक दिया कि एक ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पर जैसे ट्रेन आती है ऐसे सब जो बेचने वाले लोग हैं सब बेचने के लिए घूमते हैं, तो उसमें ट्रेन के पास कुछ अपना डब्बा खोल के वो चाय लेके कुछ कुछ न कुछ भजिया कुछ न कुछ लेके खाते हैं लोग। तो एक भाई ब्रेड के साथ कुछ मिला के खा रहा था, तो वहाँ से कोई भिखारी भी निकल, भिखारी भी भीख मांगने निकलता है, तो भिखारी वहाँ से निकला तो उसने एक ब्रेड उनको दे दिया, वो विंडो के पास बैठा था। तो वो भिखारी थोड़े 8-10 फुट दूर वो खंभा था, खंभा के पास खड़े रह के वो हाथ में ऐसे डबो डबो के खा रहा था भिखारी। तो वो भाई ने देखा कि वो हाथ में तो कुछ है नहीं और तो भी ब्रेड ऐसे ऐसे करके खा रहा है। फिर बाद में बुलाया उनको कि भाई आपके हाथ में तो कुछ था नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके क्या खा रहे थे। तो बोलते हैं मैं सोच रहा था कि अंदर नमक है, इसलिए नमक के साथ मैं ब्रेड अकेली तो खाया नहीं जाती क्या, इसलिए नमक है ऐसा सोच के मैं खा रहा था तो जल्दी चली गई। तो कुछ सोचना ही था तो कह मक्खन है ऐसा क्यों नहीं सोचा क्या, इसलिए सोच में भी कमी नहीं रखना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ी बात बताया था उस समय भी। नडियाद में अनंत राव जी स्मृति के नाम से कार्यालय हमने खरीदा था, उस समय मैं विस्तार के नाते 1 साल वहाँ रहा था। तो उसी समय वो जो उसकी आमंत्रण पत्रिका है वो लेके मैं अहमदाबाद कार्यालय आया था, मेरा घर तो अहमदाबाद था मगर मैं विस्तार के नाते वहाँ था 1 साल। तो पत्रिका मुझे दिया कि अहमदाबाद का पत्रिका आप ले जाओ, तो मैं लेके आया था। तो उसी समय कार्यालय पे जो अपना मणिनगर कार्यालय जुनाब कार्यालय, तो वहीं मुझे मिले नरेंद्र भाई। तो मैंने अंदर से निकाल के उनका नाम की पत्रिका दे दिया, तो उसने मुझे बोला कि वापस रखोगे आप, तो पहले आप प्रांत प्रचारक जी को दो ऊपर बैठे हैं बाद में मुझे दो। पहले एक जो मर्यादा की बात है कि जो पहले पत्रिका किसको देना चाहिए, ले जो मर्यादा अथवा तो जो उसका जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल उनको पता था, ले वो भी एक सीखने की बात थी। सब लोगों को हम आमंत्रण दिया कार्यालय उद्घाटन में आने के लिए। अभी आमंत्रण देते हैं तो सभी लोग नहीं आते हैं, मगर उस समय गांव से मुझे वो पूरा वो 407 का जो गाड़ी चलता है वो गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत से लोग आए। आने के बाद जो हमारा खाने का जो बना हुआ था और दूसरा के जो श्रमिक लोग थे जो किसान लोग थे, तो खाने का तो उनका स्वाभाविक है ज़्यादा होता है, तो पूरा खाना हमारा पूरा ख़त्म हो गया। जो बोलते हैं जो भी दाल चावल सब्जी जो कुछ भी नहीं बचा, खाली एक पुड़िया बची थी थोड़ी घड़ी। तो हम जब शाम को हम खाने बैठे तो हरीश भाई रावल थे, मैं था, नरेंद्र भाई थे, फिर अपने मोहन जी है उनके पिताजी आए थे, हमारे संघ के गुजरात के पहले प्रचारक थे, उनको उद्घाटन के लिए बुलाया था, वो भी साथ में बैठे थे, हमारे मधुभाई कुलकर्णी थे, ऐसे सब प्रचारक सब साथ में बैठ के खाना खाने के लिए। मैं पूड़ी के अलावा कुछ नहीं था, तो मुझे पता है कि वहाँ से गुड़ का डब्बे में से गुड़ निकाला और पूड़ी भी इतना जो है उसमें से बाँट के खाना था, तो गुड़ और पूड़ी हमने साथ में बैठ के खाया। तो हमारे जो एक कार्यकर्ता थे उनकी बच्ची का वो औरंगजेब बोलते हैं ना जो नृत्य का कार्यक्रम था, तो उसमें नरेंद्र भाई को आमंत्रण दिया था, तो नरेंद्र भाई आए थे, मैं भी गया था और मैं मेरी पत्नी दोनों गए थे। तो हम दोनों कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद हम बाहर निकल रहे थे, उस समय तो महामंत्री थे, तो हम बाहर निकल रहे थे, हमारे पीछे लगभग 3-4 फुट पीछे थे, तो वहाँ से उसने लगाया कि नाम से नहीं पुकारा हमको, बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, हम इसी स्टेट गवर्नमेंट में था और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था उसे, तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे मजे में है ना, इसलिए उनको ये सब पूरी बात का जानकारी होना और उसी सही समय पे सही बात करना ये बहुत बड़ी उनकी कुने थी एकदम।